हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरसुविताज किचन। आप सब लोग कैसे, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं ब्रेड टोस्ट। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, चार पीस ब्रेड ले लेते हैं, एक कटोरी बेसन ले लेते हैं, एक कटोरी दही ले लेते हैं और थोड़ी सी कूटी हुई गोलमिर्च का पाउडर ले लेते हैं। गोलमिर्च को दरदरा कूट लिए हैं, हाफ टी स्पून नमक ले लेते हैं और दो पिंच हल्दी ले लेते हैं और सरसों दाना ले लेते हैं 1/4 टी स्पून। हरी मिर्च को काट के ले लेंगे और हाफ टी स्पून मिर्च पाउडर ले लेंगे। एक कटोरी ले लेते हैं, इसमें हम दही को डाल देंगे। दही को फेंट लेते हैं थोड़ा। इसी में अब बेसन को डाल देंगे हम। बेसन को और दही को थोड़ा फेंट लेते हैं। सभी बेसन को डाल देते हैं दोस्तों। यहीं पर अब हम मिर्च पाउडर को डाल देंगे, हल्दी पाउडर को डाल देंगे और नमक को डाल देते हैं। ये गोल मिर्च पाउडर है, इसे डाल देते हैं। सभी को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीका से। देखिए अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। और तब तक हम आपको याद दिला दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें और हमें कमेंट पर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने में तो एक मिनट लगता है और हम लोग का वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। एक पीस ब्रेड ले लेते हैं, इसे बेसन और दही का गोल में डुबा लेंगे अच्छी तरीका से। और ओवन में हम पैन रख कर इसमें तेल ले लिया है और उसे गरम कर लिया है। अब उसे हम ब्रेड को रख देते हैं। देखिए एक तरफ हो चुका है, अब इसे हम पलट लेते हैं, दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। इसे आप कभी भी बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाता है। चाहे तो आप चाय के साथ भी बना सकते हैं या फिर सुबह नाश्ता में भी बना सकते हैं या फिर बच्चे के टिफिन में भी बना कर दे सकते हैं। ये बहुत जल्दी भी बन जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है खाने में। दही टोस्ट बनाने में तेल बहुत कम लगता है दोस्तों। आप चाहे तो इसे बटर में भी बना सकते हैं, प्लस ये बहुत जल्दी बन जाता है। चेक कर लेते हैं दूसरी तरफ भी हम। देखिए दोनों तरफ सेक लिए है, अब टोस्ट को नीचे उतार लेते हैं। देखिए इसमें तेल बहुत कम लगता है, ये इतना तेल हमारा बच चुका है, थोड़ा सा ही तेल दिए थे। अब एक पीस ब्रेड लेके हम फिर से डुबा देते हैं। एक पीस हम आपको और दिखा देते हैं दोस्तों। देखिए अच्छी तरह से डुबा लिए है, तावा में डाल देते हैं फिर से, सॉरी पैन में डाल देते हैं फिर से। देखिए टोस्ट को अब पलट लेते हैं हम। नोटो फ्लेम में से भूनिएगा दोस्तों, क्रिस्पी हो जाएगा टोस्ट। ये दूसरी तरफ फिर से पलट लेते हैं, थोड़ा सा और सेक देंगे इस तरफ। देखिए दोनों तरफ हो चुका है टोस्ट, अब नीचे उतार लेते हैं। देखिए ब्रेड, देखिए दही टोस्ट बन के तैयार हो गया है। इसे हम इस तरह से काट लेंगे। देखिए ये कितना सॉफ्ट बना है। देखिए देखिए अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है और ऊपर से क्रंची है। अब फ्राई पैन में देखिए थोड़ा सा हम तेल डाल लेते हैं और तेल को गर्म करते हैं। बस एक टी स्पून तेल डालना है दोस्तों। अब यहीं पर हम सरसों और मिर्च को डाल देते हैं। इस तरह का को अब हम ब्रेड के ऊपर डाल देते हैं। ये
ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। अब बच्चे तो काफ़ी पसंद करके खाएंगे, आप ज़रूर से एक बार घर पे बना के ट्राई करिएगा और खाइएगा। जिसे नहीं आता है बनाने वो भी बनाकर खा सकते हैं।